हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्ट्रगल में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्ट्रगल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को जो है रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे वीडियोज़ पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जो ज्वाइन बटन क्लिक करके मुझे सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं आपकी जितनों भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स को जितना जल्दी हो सकूँगा उतना जल्दी जो है वो सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं जो दूंगा अगर आप जो है ज्वाइन बटन के थ्रू मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये आया आयसर बेरामपुर से। तो यहाँ पे पीएचडी के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2023। तो यहाँ पे जो रिसर्च एरिया जो आपको बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लांट रिलेटेड वर्क और एज वेल एज जो एनिमल रिलेटेड वर्क है वो सारा जो यहाँ पे होता है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो है नेट या जेआरएफ होना चाहिए। तो यहाँ मेंशन कर रखा है नेशनल लेवल एग्जाम लाइक नेट जेआरएफ ए कैटेगरी, आईसीएमआर जेआरएफ ए कैटेगरी और एनी अदर रिकॉग्नाइज स्कोर इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप है तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए और आपका सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ या आईसीएमआर जेआरएफ अगर आपका ये क्वालिफाई है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन रहेगा वो आपका ईमेल के थ्रू रहेगा और आपको जो अप्लाई करना है बिफोर जुलाई 2023 से पहले जो है आपका यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन जो रहेगा विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई ई मेल। तो यहाँ पे बाई ई मेल के थ्रू आपको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको मेल भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपका जो भी एज रिलेटेड जो इन्होंने मेंशन किया है वो शुड नॉट बी 28 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज दे रखा है लाइक आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट या एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के केस में 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी या पीडी या फीमेल एप्लीकेंट के लिए 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू फॉर आइदर इंस्टीट्यूट फेलोशिप और ₹31,000 पर मंथ और फेलोशिप एज पर नॉर्म्स ऑफ द फंडिंग एजेंसी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको 31,000 दी जाएगी या आपका जो फंडिंग बॉडी रहेगा वो आपका उसके थ्रू जो है आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप इन्होंने जैसे मेंशन ऑलरेडी कर दिया है ओके। तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर आपके पास नेट भी तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनली अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, गेट, यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआई, जेआरएफ या डीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने अच्छी दे रखी है कि अगर आपका यहाँ पे जो है आपने नेट पे अगर गेट क्वालिफाई भी किया तब भी आप जो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार अच्छी चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर आपकी खुद की फेलोशिप है तो अपनी फेलोशिप खुद की जो फेलोशिप वो आप जो है अपना एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपकी खुद की फेलोशिप नहीं है लेकिन आपके पास नेट या गेट है या आपने जो है ये जीआई बिल्स भी क्वालिफाई किया है तब भी जो है आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे 31,000 जो है आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दी जाएगी अगर आप सीएसआईआर नेट आपने क्वालिफाई किया या गेट क्वालिफाई किया है। अगर आपने जेआरएफ किया तो आप अपनी जो लाइक जो भी फंडिंग एजेंसी चाहे आपका सीएसआईआर हो चाहे यूजीसी हो या डीबीटी हो वहाँ से डायरेक्टली जो है आप अपना जो पैसा है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है उन बच्चों के लिए भी जिनके पास सिर्फ नेट या गेट है तो उन्हें भी यहाँ पे जो है फेलोशिप दी जाएगी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि अगर बायोलॉजी में अप्लाई कर ले तो यहाँ पे एचओडी का जो आपको मेल आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड है कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जो है इन मेल आईडी पे करके भी आप जो है अपना जो भी डाउट है वो क्वेरी या क्वेरी है वो आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।